11 के सभी विद्यार्थी को होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि देख लीजिए समय कम है और मैं आपको ऐसा पेपर बताऊंगा जो आपको बिल्कुल नंबरों की बोछार करेगा, ठीक है, ओरिजिनल एकदम 100% वही चीजें बताऊंगा जो कि आने की संभावना है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको पैसेज दिया गया है, तो ये कुछ इस तरह का पैसेज आपको रहेगा, ठीक है, इतना हो गया है ये, ठीक है भैया, ये बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में यदि हम बात करें तो ये इसके क्वेश्चन रहेंगे, सॉल्यूशन पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए, आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना। जिस बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, खास खास चीज़ें पढ़ लो बेटा, पूरा पेपर तो याद नहीं होगा, एक दिन तो है से आपके पास बस केवल, तो जितना आपसे कवर हो पाता है कर लो, ठीक है, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, है ना, अच्छे से, और अच्छे से अपन 12th की तैयारी करेंगे। ये 5 से 10 दिन की बिल्कुल छुट्टी ले लो पहले आप, और बिल्कुल मैं अच्छे से तैयारी कराऊंगा एकदम फ्री, सारी चीज़ें, कोई पेपर वेपर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस साल, ठीक है, यदि आप अच्छे से मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चनों को करोगे तो। शुरुआत से अपन पढ़ेंगे ना बेटा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका ये हो गया इतना, क्वेश्चन नंबर 6 है, हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ये 7 के बाद में ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, ये रहे इसके क्वेश्चन, मतलब वो 8th का 5th 9th क्वेश्चन है ये, ये यहां से बी वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 12, 13, 14, 15, वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आ रही है। चलिए सॉल्यूशन को देख लेते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये पैसेज रहेगा, इसके बाद में ये यहाँ पर देख लीजिएगा इतना, ये आंसर है, पूरे टोटल आंसर यहाँ पर है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2, ठीक है, ये देख सकते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा, ना कम समय है यार हमारे बच्चों के पास में, समय कहाँ दिया, 24 घंटे भी नहीं है यार पूरे बराबर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, रट देना आप तो, आपके ही जिले में यही प्रश्न पत्र आने के चांस है पूरे, भले अलग से पढ़ लो पर एक बार इनको मैं जो बता रहा हूँ इनको कंप्लीट करके चले जाओ बस, जिसमें तो बिल्कुल बेड़ा पार है आपका। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से देख सकते 4 यहाँ पर रहेगा, 5 यहाँ से देख सकते हैं ये भी, और क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 ये कुछ इस तरह का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया यहाँ से देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 9 वाला ये, इसके आगे ये यहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं, बढ़िया से ये हो गया है, इसके बाद में यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया इतना, इसके बाद में यहाँ पर ये पहला रहेगा, ये तीसरा, यहाँ से दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पूरे पेपर का सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं तो, पूरे पेपर का, हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए इसलिए यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से